सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, हम सभी लोग ना कम बजट में एक अच्छा मॉनिटर खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम लोग पीसी बिल्ड करने में लाखों रुपए लगा देते हैं, जबकि मॉनिटर हमारा इकलौता ऐसा कंपोनेंट है जो पीसी का जितनी भी वर्किंग होती है हमें सभी मॉनिटर के डिस्प्ले पैनल पे दिखाई देती है। तो मतलब हमारा जो एक्चुअल वर्क एग्जीक्यूट होता है वो इसी मॉनिटर पर होता है। तो ऐसे में इस चीज़ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि आप अपने लिए किस तरीके का मॉनिटर लेने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में कोई भी इंसान कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है, उसको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और फिर बाद में पछताना पड़ता है। ऐसा आप लोगों के साथ में ना हो, इसी वजह से ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में ना हमने इंडिया में आने वाले लगभग 20 से 25 मॉनिटर्स के ऊपर डेडिकेटेडली रिसर्च करी है, उन सभी के सारे फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, रेटिंग्स, कंपेटिबिलिटी एंड रिव्यूज जाने हैं। उसके बाद में इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने इंडिया में आने वाले टॉप 5 बेस्ट मॉनिटर अंडर ₹15,000 की लिस्ट लेकर आए। दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में भले ही आप एक एक्सट्रीम गेमर हो, वीडियो एडिटर हो या कोई और वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट मॉनिटर मिलने वाला है फिलहाल के टाइम में इंडिया में आने वाला। और यहां पर एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूं, जरूरी नहीं है कि हम ज्यादा पैसे लगा करके कोई मॉनिटर खरीदे जिसमें हमें अच्छे स्पेक्स और फीचर्स मिले। एक मिनिमल बजट में भी कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपने को काफी बेहतरीन बेहतरीन फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, और उसी तरीके से आप लोगों को इस वीडियो में ऐसे ऐसे मॉनिटर्स मिलेंगे जिसमें आप लोगों को मिलेगा 165 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट विद 0.5 मिलीसेकंड ऑफ रेस्पॉन्स टाइम, और अगर आप एडिटर हो तो आप लोगों को मिलने वाला है अप टू 128% sRGB रेशो, मतलब कमाल की कलर ग्रेडिंग और एडिटिंग भी आप लोग कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी करे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत चौधरी, आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल प्रोडक्ट बाजार, लेट्स ड्राइव टू दिस। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई यहां पर नंबर 5 पर आने वाले मॉनिटर की, जो कि आता है बेनक्यू की तरफ से आने वाला आई केयर मॉनिटर। अब बेनक्यू के ज्यादातर प्रोडक्ट में ना मॉनिटर्स में आप लोगों को आई केयर फीचर मिल जाता है, जो कि आप लोगों को इनके टाइटल में ही दिखाई दे जाएगा। इसका मतलब यह है कि आंखों के लिए इनमें आई केयर टेक्नोलॉजी है, और दोस्तों ये चीज बेहद जरूरी है क्योंकि जो मॉनिटर आप लोग मेरे पास में देख पा रहे होंगे ये मेरे लिए काफी बढ़िया मॉनिटर है, लेकिन इसमें एक बेहद बड़ी कमी है, वो ये कि जब इस पे घंटों काम करते हैं तो आंखों पे ना स्ट्रेन होने लग जाता है, आंखें दुखने लग जाती है। तो दैट इज नॉट द केस विद दिस बेनक्यू मॉनिटर, एंड ये एक कमाल का ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये ना एक 24 इंचेस मॉनिटर है जो आपको फुल HD के साथ में IPS पैनल के साथ में मिलता है, और इसी के साथ साथ में ना भाई इसमें आपको मिलती है 8 बिट्स ऑफ पैनल डेप्थ, 1.6 मिलियन कलर के साथ में आप लोगों को 72% NTSC। अब बात करें रिफ्रेश रेट की, तो इसमें भाई मिलता है 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विद 5 मिलीसेकंड ऑफ रेस्पॉन्स टाइम, 250 निट्स की मॉनिटर की ब्राइटनेस होने वाली है। तो यहां पर एक बात आप क्लियरली समझ गए होंगे कि अगर आप गेमर हो तो ये मॉनिटर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आपके लिए आगे बहुत कमाल के मॉनिटर्स आने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन इफ यू आर ए वीडियो एडिटर या आप लोगों को ब्राउजिंग वगैरह कोई काम हो, आप स्टूडेंट हो, मूवीज वगैरह देखनी हो, स्ट्रीमिंग करनी हो, तो ये ना एक काफी बढ़िया प्रोडक्ट आप लोगों के लिए विद आई केयर फीचर होने वाला। बाकी इसमें ना भाई आप लोगों को कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जैसे कि फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी मिल जाती है, एडवांस मोशन एक्सेलेरेटर के साथ में लो ब्लू लाइट फीचर, और इसी के साथ साथ में ए क्लास एनर्जी एफिशिएंट मॉनिटर ये होने वाला है। इस मॉनिटर में ना भाई आप लोगों को हाइट एडजस्टमेंट का जो है ऑप्शन मिल जाएगा, बाकी वॉल माउंटेबल ये है, रिमूवेबल स्टैंड आपको इसके साथ में मिलता है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट पायलट मोड आप लोगों को इसमें मिल जाएगा, टिल्टेबल डिस्प्ले के साथ साथ में इसमें आप लोगों को 2 1-1 वोट के स्पीकर भी मिल जाते हैं, मतलब टोटल 2 वोट की साउंड आउटपुट भी आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। बाहर से आप लोगों को अलग से स्पीकर खरीदने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, डिसेंट सी साउंड है। तो ये सारी चीजें हैं। अब कनेक्टिविटी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो इसमें भाई एक HDMI पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट, ऑडियो इनपुट और आउटपुट के जैक आप लोगों को मिल जाएंगे, मतलब जो डिसेंट कनेक्टिविटी ऑप्शंस होते हैं वो बेनक्यू के इस मॉनिटर में आप लोगों को मिल जाते हैं। ये मॉनिटर 1 साल की वारंटी के साथ में आता है, प्राइस है इसका लगभग ₹13,500 एज ऑफ नाउ। और अगर आप लोगों को प्रोफेशनल काम में, ऑफिस के काम में इसको यूज करना है, या आप एक स्टूडेंट हो या नॉर्मल आप लोगों को सर्फिंग वगैरह ब्राउजिंग वगैरह करनी है, तो ये मॉनिटर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंसिडर कर सकते हो। अगर आप गेमर हो या एडिटर हो तो रुको,
थोड़ा सबर करो, अभी और अच्छे अच्छे ऑप्शन आप लोगों के लिए आने वाले। तो इस प्रोडक्ट को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहां से जाके इसकी सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। लेकिन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो भाई मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है। ये है भाई एलजी की तरफ से आने वाला अल्ट्रा गियर मॉनिटर, एंड दिस इज अ नेक्स्ट लेवल मॉनिटर गाइज। एलजी के मॉनिटर बहुत ही प्यारे होते हैं नो डाउट, एंड ये मॉनिटर गेमर्स के लिए बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। 23.6 इंचेस में आता है फुल एचडी 1080p रेजोल्यूशन के साथ में, 8 बिट पैनल डेप्थ आप लोगों को उसमें मिल जाएगी, 1.6 मिलियन कलर्स के साथ में 72% NTSC कलर्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि इसमें आप लोगों को मिलती है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विद 1 मिलीसेकंड ऑफ रेस्पॉन्स टाइम, और ये भी 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके की हार्डकोर गेमिंग इस मॉनिटर में इजीली कर सकते हो, और वैसे भी LG Ultra Gear गेमिंग के लिए बड़ा ही शानदार मॉनिटर होने वाला है। खैर इसमें कुछ आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि HDR सर्टिफाइड डिस्प्ले मिल जाती है, AMD FreeSync का आप लोगों को इसमें ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अलावा ब्लैक इक्वलाइजर भी मिल जाएगा, क्रॉस हेयर भी मिल जाता है गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए, डायनेमिक एक्शन सिंक के साथ में फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी, रीडर मोड जैसे सारे फीचर्स आप लोगों को इस मॉनिटर में मिल जाते हैं। इसके साथ में ना आप लोगों को स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, हाँ टिल्टेबल डिस्प्ले है, रिमूवेबल स्टैंड है, वॉल पे इजिली माउंट कर सकते हो, इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो, बट स्पीकर्स आप लोगों को बाहर से खरीदने पड़ेंगे क्योंकि ये है एक नेक्स्ट लेवल गेमिंग मॉनिटर। इस मॉनिटर में दोस्तों LG आपको देता है 1 साल की वारंटी। बात करें प्राइस की तो 14,500 रुपीज इसका प्राइस है आज की डेट में, ये प्राइस काफी कम है, इसका प्राइस ऊपर भी जाता है, बट हाँ फिलहाल के टाइम पे डिस्काउंट में अवेलेबल है। दोस्तों अगर आप गेमर हो तो स्पेशली गेमर्स के लिए तो ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल मॉनिटर होने वाला है, इसको आप एक बार को आंख बंद करके भी खरीद सकते हो। बस एक कोन इसमें है जो कि है कि इसमें स्पीकर्स नहीं है, स्पीकर्स होते तो वो थोड़ा सा बेटर होता। खैर इसका लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट पे आने वाले तीसरे नंबर के मॉनिटर की तरफ, जो कि होने वाला है भाई Lenovo की तरफ से आने वाला क्यू सीरीज का मॉनिटर। Lenovo भी काफी बड़े बड़े मॉनिटर्स और काफी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आजकल बना रहा है, और इसमें भी आप लोगों को लगभग सारे फीचर्स मिल जाते हैं। फुल एचडी 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ में ये आता है, 24 इंच स्क्रीन साइज में, एंड इसमें आप लोगों को 1.6 मिलियन कलर्स मिल जाते हैं, 73% NTSC कलर के साथ में, 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 4 मिलीसेकंड ऑफ रिस्पांस टाइम, एंड 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस आप लोगों को Lenovo के इस मॉनिटर में मिल जाती है। अब गेमिंग के लिए तो अच्छे अच्छे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे, बट हाँ अगर आप लोगों स्टूडेंट हो, ऑफिस का आप लोगों को कोई काम है, या नॉर्मल आप लोगों को कोई काम करना हो, भले ही एडिटिंग करनी हो, तो ये मॉनिटर आप लोगों के लिए काफी बढ़िया तरीके से काम करेगा। इसमें आप लोगों को काफी बढ़िया बढ़िया फीचर भी मिल जाते हैं, जैसे HDR सपोर्ट्स में मिल जाता है, फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, लो ब्लू लाइट प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ब्लू लाइट आपकी आंखों पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी, AMD FreeSync टेक्नोलॉजी के साथ में आई केयर सर्टिफाइड ये मॉनिटर होने वाला है, और ये दिखने में काफी ज्यादा प्यारा 3-साइड एजलेस डिजाइन के साथ में आने वाला मॉनिटर है। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 2 स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, जिसमें टोटल 6 वोल्ट के साउंड आउटपुट होने वाली है। इसके अलावा इसका स्टैंड आप रिमूव कर सकते हो, वॉल पे भी माउंट कर सकते हो, जो इसकी डिस्प्ले है उसको भी टिल्ट कर सकते हो। टिल्ट कैसे? इस तरीके से कुछ हम अपने मॉनिटर्स की डिस्प्ले टिल्ट कर सकते हैं। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो एक HDMI पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट और एक ऑडियो आउटपुट जैक आप लोगों को इस मॉनिटर में मिल जाएगा। अब अच्छी बात मुझे ये लगती है कि Lenovo ना इस प्रोडक्ट पे आपको 3 साल की वारंटी दे रहा है। 3 साल की वारंटी का मतलब तो एक ही है कि Lenovo ब्रांड को अपने इस प्रोडक्ट पे बेहद भरोसा होगा, और इसी वजह से इतना अच्छा वारंटी पीरियड आप लोगों को मिल रहा है। खैर मैं खुद भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि वारंटी जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा लेने का फायदा है, सरदर्दी जितनी कम हो उतनी ज्यादा अच्छी है। तो ये मॉनिटर आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो अगर गेमर हो तो, एक बार को आपके पास दूसरे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, अदरवाइज आप लोगों का कोई भी प्रोफेशन हो, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। और जो इसका प्राइस होने वाला है ना प्रोडक्ट का, वो होने वाला है 14,500 रुपीज। अगर आप इस मॉनिटर को या जो मॉनिटर्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इनमें से किसी भी मॉनिटर को खरीदना चाहते हैं तो मैं इन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग उन लिंक्स पर क्लिक करके इन पूरे मॉनिटर्स के बारे में स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स देख सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2 पे आने वाले प्रोडक्ट की, और ये एक कमाल का ऑप्शन होने वाला है। यह है MSI की तरफ से आने वाला ऑप्टिक्स मॉनिटर। MSI भाई आजकल हर चीज में घुस गया है, गेमिंग में MSI का नाम है। आप PC लो MSI, PC के कोई कंपोनेंट लो, मदरबोर्ड लो, ग्राफिक कार्ड लो, MSI का नाम आप लोगों को हर जगह सुनने को मिल जाएगा। और इसी वजह से MSI का ये जो मॉनिटर है ना, ये भी नेक्स्ट लेवल फीचर के साथ में दोस्तों आता है।
इसके फीचर सुन के आप लोगों को मजा आने वाला है। तो साइज की बात करते हैं, 23.8 इंच साइज होने वाला है, लगभग सभी मॉनिटर्स का वही साइज है। फुल एचडी 1080 पिक्सल में आपको ये मिलता है। 8 बिट पैनल की डेप्थ होने वाली है। अब थोड़ा काम के फीचर्स की बात करें तो 1.6 मिलियन कलर्स इसमें आपको मिलते हैं। 95% DCI-P3 आप लोगों को इसमें मिल जाता है। एंड गेस व्हाट, 128% sRGB रेशो आप लोगों को इस मॉनिटर में मिलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, भले ही आप लोग गेमिंग कर रहे हो या एडिटिंग में किसी भी तरीके की कलर ग्रेडिंग कर रहे हो, जो रियल कलर एक्सपीरियंस है, जो रियल व्यू है, वो आप लोग इस मॉनिटर में देख भी पाएंगे और अच्छे से एडिट भी कर पाएंगे, एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। इसी के साथ साथ में इसमें आप लोगों को 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है एंड 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम भी मिल जाता है। 250 निट्स की ब्राइटनेस आप लोगों को इस मॉनिटर में मिलती है। काफी बढ़िया मॉनिटर है, बट ब्राइटनेस 300 निट्स हो जाती तो बस सोने पे सुहागा वाली बात होने वाली थी। खैर, बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट स्टिल ये होने वाला है। HDR को सपोर्ट करता है, AMD फ्रेसिंग में आप लोगों को मिल जाए, नाइट विजन, लो ब्लू लाइट के साथ साथ में फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी भी इसमें आती है एंड वाइड कलर गैमेट भी इसमें आप लोगों को मिलेगा। MSI की तरफ से आता है, काफी स्पोर्टी सा डिजाइन इसका है। वॉल माउंटेबल है, स्टैंड आप इसका रिमूव कर सकते हो। टिल्टेबल डिस्प्ले इसमें आप लोगों को मिल जाती है, लेकिन स्पीकर्स इसमें भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 HDMI पोर्ट मिल जाएंगे, एक डिस्प्ले पोर्ट के साथ में एक ऑडियो आउटपुट जैक भी मिलेगा। इस मॉनिटर का प्राइस भी होने वाला है 14,500 रुपीज और MSI इस पे आप लोगों को 2 साल की वारंटी देता है। 2 years इज ए गुड पीरियड ऑफ टाइम, बढ़िया आपको लोगों को वारंटी पीरियड मिलती है। और ये ऐसा मॉनिटर है, अगर आप गेमर हो, भले ही आप वीडियो एडिटर हो या आप लोगों को कोई ग्राफिक डिजाइन करना हो, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट दोस्तों आप लोगों के लिए हो सकता है। खैर, इसका भी बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना जाके। लेकिन उससे पहले लास्ट प्रोडक्ट देख लीजिए, जो कि आता है हमारी लिस्ट पे आज की डेट में नंबर 1 पे, और ये है भाई एसर की तरफ से आने वाला नाइट्रो 24 इंचेस मॉनिटर। दिस इज अ ग्रेट मॉनिटर गाइस, दिस इज अ ग्रेट गेमिंग मॉनिटर, इवन एडिटिंग के लिए भी बहुत ही कमाल का मॉनिटर होने वाला है। फुल HD 1080p रेजोल्यूशन के साथ में आएगा, 1.6 मिलियन कलर्स के साथ में, 8 बिट्स पैनल डेप्थ होने वाली है। 99% इसमें आप लोगों को sRGB रेशो मिल जाता है। 72% NTSC कलर्स के साथ में, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस मॉनिटर में आप लोगों को मिलता है विद 0.5 मिलीसेकंड ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। तो गेमर हो आप लोग तो एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, बहुत ही फास्ट जो है एक्सपीरियंस, भले ही कितनी भी हार्डकोर गेमिंग हो, इस मॉनिटर से आप ले सकते हैं। 250 निट्स की ब्राइटनेस आप लोगों को इस मॉनिटर में देखने को मिलेगी, लेकिन गेमिंग में, किसी भी तरीके की गेमिंग में, ये मॉनिटर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने वाला है। और आज की डेट में ये मॉनिटर अपने प्राइस रेंज में सबसे बेहतरीन मॉनिटर है, कीपिंग इन माइंड ईच एंड एवरी। अभी और चीज बची है इस मॉनिटर के बारे में, तो इसमें अपने को HDR सपोर्ट तो मिलती ही है, AMD फ्रेसिंग टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, और इसी के साथ में लो ब्लू लाइट और फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। इसका जीरो फ्रेम बेजललेस डिजाइन है, काफी खूबसूरत से ये मॉनिटर देखने में लगेगा। वॉल माउंटेबल है, रिमूवेबल स्टैंड इसके साथ में आपको मिलता है एंड इसकी डिस्प्ले को भी आप टिल्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहां पर एसर ने 2 स्पीकर्स दिए हैं 2-2 वोट के, तो टोटल आप लोगों को 4 वोट का डिसेंट साउंड आउटपुट भी मिल जाता है, अलग से स्पीकर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनेक्टिविटी की बात करें तो एक HDMI पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट और एक ऑडियो आउटपुट पोर्ट आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। और ये मॉनिटर भले ही आप गेमर हो, एडिटर हो, या आपका कोई भी काम हो, नॉर्मली आप लोगों को जो है स्ट्रीमिंग ही करनी हो या ब्राउजिंग ही करनी हो, तो सबसे बेहतरीन मॉनिटर होने वाला है, क्योंकि आज की डेट में 3 साल की वारंटी कंपनी इस मॉनिटर पे प्रोवाइड कराती है। इतने सारे फीचर्स होने के बाद में, इतने शानदार स्पेसिफिकेशन होने के बाद में, दैट टू इन ए प्राइस ऑफ 15,000 रुपीज ओनली। तो 15,000 रुपए के अंदर इनमें से आप किसी भी मॉनिटर को कंसिडर कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड योर रिक्वायरमेंट, आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ये 5 मॉनिटर ऐसे मॉनिटर है जो सालों साल आप लोगों के लिए बेहद बढ़िया तरीके से काम। आपको इनमें से किसी भी मॉनिटर को परचेज करना हो तो इनके सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। अगर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इन लिंक से परचेज जरूर कीजिएगा। हमारे लिंक से खरीदने पर आपके प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ना ही वो आपका प्राइस ज्यादा होने वाला है, बस आपके इस चैनल को फाइनेंशियली काफी सारी मदद मिल सकती है, जिससे इस तरीके की वीडियोस हम लाने में सक्षम रहते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें पता चलना जरूरी है कि आप लोगों को वीडियो लगी कैसी। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कह रही हो, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, ये आप ही लोगों का चैनल है। मिलते हैं इसी तरीके से वीडियो में, धन्यवाद।